प्रणाम सर। अभी क्या चल है? ठीक, अभी जो इतना ठंड बढ़ी हुई है और आप लोग आंगन में बच्चों के साथ या सेविका के साथ जो सफाई कर रहे हैं, इसका मेन मकसद आप लोग का क्या है? धन्यवाद सर, बड़ी गर्व की बात है, आपने इस जाड़े की मौसम, बहती पछुआ शीतलहर में बच्चों के प्रति, मेरे प्रति आप इतना बड़े शुभचिंतक बन के आए हैं, जो पूछ रहे हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है सफाई का। तो सर, सबसे पहले आपने मेरा शुभचिंतक बन के आया, मेरे विद्यालय का, मेरे बच्चों का, आंगनबाड़ी सेविका का, बच्चों का, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं चार्य सर। और खास बात यह है, जो स्वच्छता के बिना स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है, जब स्वच्छता होगी तभी स्वास्थ्य अच्छा होगा। और ये आंगनबाड़ी या विद्यालय जो है, यह एक मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर जो कहिए वही हमारे लिए है। तो इसे पहले हम स्वच्छ करेंगे, फिर हम स्वास्थ्य की इससे आशा और उपेक्षा रखेंगे। इसीलिए हम देखा कई दिनों से यहाँ मजदूर लोग काम कर रहे थे, बेचारी सेविका को खाना भी बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, फिर पढ़ाना पड़ता है, फिर अपने भी वो अपने घर का काम काज देखती है, बेचारी परेशान रहती है, अकेले आके झाड़ू लगा रही थी सवेरे सवेरे 9:45 करीब, तो 7:45 करीब तो हमको देखा नहीं गया। तो पहले हम आए, फिर हमारे बाल संसद के मंत्री लोग आए, छोटा बच्चा को हम अलाव का व्यवस्था करके दे दिए, और हम अपने तीनों रसोईया, स्वयंसेवक, शिक्षक, सेविका, सेविका पति और अभिभावक को लेकर के आज हमने प्रण किया, जो स्कूल से पूरे दुर्गा स्थान, आंगनबाड़ी, प्रांगण और स्कूल का सफाई कर हम लोग उसके बाद ही चेतना सत्र में भाग लेंगे। इसी उद्देश्य से आज 100 समय रसोईया, सेविका, शिक्षक, स्वयंसेवक, हम लोग सभी लोग मिल के सफाई अभियान को दिया है, मूर्त रूप दिया, और इसे सफाई करके फिर इसी से कई दिनों तक हमारे बच्चा का अलाव का काम चलता रहेगा। इसी चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आंगनबाड़ी।